हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बहुत डीप डिस्कशन करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। देखिए, ये 1 मंथ के रिटर्न में दोस्तों, विथ इन ए मंथ ये जो है 28% आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर, चलिए कोई बात नहीं, 1 ईयर में इतना ज़्यादा दिया, लेकिन दोस्तों अगर पर मंथ इतना लॉस देगा तो सोचिए कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। जो जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस होगा दोस्तों। तो क्या करना चाहिए आरबीएल बैंक में, ये बहुत बड़ा मुद्दा दोस्तों यहाँ पर आता है और मैं आज आपको बताऊँगा, क्योंकि हम हमारे YouTube चैनल में एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। तो आज मैं दोस्तों बताऊंगा कि आपको क्या करना है आरबीएल बैंक में। एक बात तो तय है कि आरबीएल बैंक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं आरबीएल बैंक के ऊपर। क्योंकि देखिए, किसी के एडवाइस को हमें कभी भी मतलब कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि जो बोल रहा हो वो करेक्ट हो जाए। इसीलिए हमें पॉजिटिविटी में देखना चाहिए। और बताता हूँ यहाँ पर कि ये जो बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या आरबीएल में बैंक में अभी खरीदारी कर सकते हैं या निकलने का ये सही टाइम है। ये खुला 10% का लोअर सर्किट लगा, वो रिवाइज हुआ और एफएनओ में देखिए काफी देर बाद करीब 9:45 बजे के आसपास वो वापस से खुला और हम यही कह रहे थे कि ये स्टॉक आज फिर और जोर से गिरेगा। और देखिए सुबह सुबह ब्रोकरेज हाउसेस भी बता रहे थे कि अब उनको नजर आ रहा है 280 के लक्ष्य। जेपी मॉर्गन ने 330 के लक्ष्य पहले रखे थे और अब 280 के लक्ष्य किए हैं। और तो देखिए दोस्तों, 230 के लक्ष्य से अभी देखिए यहाँ पर घट गया, 320 के जो पहला टारगेट था 320 था, ठीक है, उसके बाद अभी क्या हो गया, 280 हो गया। मतलब कि दोस्तों टारगेट यहाँ पर डिक्रीज किया गया है, क्योंकि उनको पता है कि आरबीएल बैंक अभी बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। सबसे बड़ा कट तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आया और देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आपके सामने। पहले 400 का टारगेट इनको लगता था हासिल करेगा ये शेयर, हालांकि हम पहले से ही बता रहे थे 500 रुपये के लेवल से ये शेयर नीचे आने वाला है। देखिए अब 240 के टारगेट्स इन्होंने दिए हैं और आज हमने देखा इंट्राडे में वो टारगेट इनका लगभग हासिल हुआ भी है। इस शेयर ने भी नए 52 हफ्तों के निचले स्तरों को छुआ है और किरण जी हमारे साथ काफ़ी समय से मौजूद हैं। किरण जी, हम लोगों ने हमेशा यही कहा सेल ऑन एवरी रैली वाला स्टॉक है ये, और देखिए नतीजे आए तो सबको समझ में आ रहा है। ये बताइए, ये और नीचे जाएगा या अब यहाँ पर स्टेबलाइज होगा? एक मिनट दोस्तों, इन्होंने बोला कि नतीजे आए, तो मतलब नतीजे आ चुके हैं दोस्तों इनका जो रिज़ल्ट था आने के बाद, उसके बाद अब क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों रिज़ल्ट एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें पॉजिटिविटी अगर आ जाता है तो कंपनी का हो सकता है पोजीशन चेंज हो जाए, लेकिन दोस्तों अगर रिज़ल्ट पहले से ही मतलब कि पोजीशन जो है ख़राब चल रहा हो और रिज़ल्ट ऊपर से दोस्तों उसका रिज़ल्ट भी अगर नेगेटिव में आ जाए, तब तो उसका प्राइस गिरना तय है। से नीचे के स्तर बिल्कुल देखने को मिल जाने चाहिए, ऊपर के थोड़े भी एक बाउंस बैक आता है तो उधर एक बिकवाली की सलाह होगी, क्योंकि काफी खराब नतीजे आए और चार्ट पैटर्न में भी इसने जो स्विंग लोस थे। तो यहाँ पर दोस्तों आप बिकवाली कर सकते हैं, अगर कोई भी मोमेंट आया यहाँ पर आरबीएल बैंक में तो आप क्या कर सकते हैं, उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, या बहुत लोग ऑप्शन वगैरह करते हैं फ्यूचर, तो उसमें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसको एक बार के लिए वॉयलेट कर दिया था, तो मेरा मानना है कि वीक चार्ट स्ट्रक्चर है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बाय करने की, इसको छोड़ देना चाहिए। अगर शॉर्ट पोजिशंस लेने हैं तो करंट लेवल से बिल्कुल ले सकते हैं, आपका पोजिशनल व्यू रहेगा, आपका स्टॉप लॉस 270 का रहेगा, मैं फ्यूचर्स के लेवल की बात कर रहा हूँ, और वापस एक बार 2-3 दिन में 235 के निचले स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। बात है तो इस पर नजर रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कुछ और स्टॉक्स की बात करें। तो ये थी दोस्तों एक्सपर्ट की राय, मैं इसको दिखाना चाहता था ताकि देखिए वो भी बड़े लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो नॉलेजेबल इंसान है उनसे थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेना चाहिए। तो उनका कहने का मतलब था कि दोस्तों अगर आरबीएल बैंक में कोई भी तेजी आती है तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और जो उनका स्टॉप लॉस था 270 का अराउंड उन्होंने स्टॉप लॉस दिया है मैं आपको। हाँ, अभी दोस्तों 260 चल रहा है, 70 का जो यहाँ कैसे 10 पॉइंट का उनका जो है स्टॉप लॉस है। तो देखिए दोस्तों ये बैंक में अभी भी खतरा मंडरा रहा है। मैंने एक बार वीडियो बनाया तो बताया था कि इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला था दोस्तों 250 के आसपास ही, और ये 290 के आसपास चला गया था। तो दोस्तों वहां पर एक बुलिशनेस आया था, तो मैंने आपको बताया था, देखिए यही वो वीडियो है, देखिए मैंने सीधा सीधा लिख दिया था, दो बैंक को यहाँ पर मैंने टारगेट किया था, एसबीआई बैंक और आरबीआई बैंक को मैंने टारगेट किया था और बताया था कि अब उगलेगा सोना। देखिए 10 दिन पहले मैंने ये स्टॉक को बताया था दोस्तों 250 के आसपास भाव पे, और दोस्तों इसमें जो है 40 पॉइंट प्रॉफिट देके गया है, उसके बाद फिर रिटर्न आ चुका है। तो देखिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड में कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है।
अगर आपको डाउट है तो आप हमारे पूरे वीडियो के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट दोस्तों, ये हमारा जो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, ये हमारा आप यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।